जस मानक से मिलने का बड़ा मौका और उसके साथ काम करने का, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आप कैसे मिल सकते हैं जस मानक से एंड उसके गीत MP3 पे काम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलो, जस मानक के फैंस तो जस मानक से मिलना चाहते हैं बट उनको जस मानक जो है मिल नहीं पाते, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जस मानक से मिल भी सकते हैं एंड गीत MP3 में काम भी कर सकते हैं। तो चलो आपको बताता हूँ वो कैसे, वो है ऑडिशन देकर। आप गीत MP3 पे ऑडिशन देकर जस मानक के साथ काम कर सकते हैं एंड उसके साथ मिल भी सकते हैं इसी से। एंड मैं आपको बताऊं तो रौनक जोशी एंड जसवलीना है, उन्होंने जो है एक ऑडिशन देकर ही गीत MP3 के साथ काम कर रहे हैं। तो आप भी कहे क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं ऑडिशन देकर गीत MP3 पे काम। केवी ढिल्लो जो है फिर से ऑडिशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप जाकर ऑडिशन देकर सिलेक्शन ले सकते हैं गीत MP3 पे एंड उस पे काम भी कर सकते हैं, फिर से आपको मौका दिया जाएगा। ये ऑडिशन आई थिंक 2023 में फिर से शुरू करेंगे केवी ढिल्लो, जिसे आप क्या ऑडिशन देकर गीत MP3 के साथ काम कर सकते हैं, जैसे रौनक जोशी ने किया था लवर मूवी पे। रौनक जोशी जो है गीत MP3 पे ऑडिशन देकर ही सिलेक्शन हुआ था उनका। आप ये मत सोच लेना कि जो रौनक जोशी है उसे स्पेशल तरीके से लवर मूवी पे लिया गया था, उन्होंने भी एक लवर मूवी के लिए सिलेक्शन एंड ऑडिशन दिया था, तब जाकर वो सिलेक्ट हुए लवर मूवी के लिए, तभी हमको रौनक जोशी जो है गीत MP3 पे वर्क करती नजर आती है। सो आप भी ऑडिशन देकर जस मानक को मिल सकती हैं या फिर जो है जस मानक के साथ म्यूजिक वीडियोस में काम भी कर सकते हैं। सो क्या सोच रहे हैं, ऑडिशन देना जरूर। सो बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करना। बाकी एक यही एक तरीका है जिससे आप जस मानक से क्लोज तरीके से जस मानक से आप मिल सकते हैं एंड उसके साथ काम भी कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो, ऑडिशन जरूर देना एंड गीत MP3 पे देकर आप जो है गुरी कर रंधावा जस मानक इन सभी के साथ काम कर सकते हैं म्यूजिक वीडियोस में या फिर जो है मूवीज में। तो बाकी अपना ओपिनियन कमेंट करना एंड अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जस मानक के रिलेटेड अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।